कनाडा और भारत के बीच जारी विवाद गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी तल्खी के बीच अब इस मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार के समर्थन में आ गई है। कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी और तिरंगे के अपमान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भड़क गए। उन्होंने कनाडा सरकार को घेरते हुए खालिस्तानियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कनाडा में मौजूद भारत विरोधी आतंकियों पर कार्रवाई की बात भी कही। दरअसल मंगलवार को कनाडा के कई शहरों में खालिस्तानी समर्थक भारतीय मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने जुटे थे। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें खालिस्तानियों ने पीएम मोदी के कटआउट को लेकर प्रदर्शन किया और तिरंगे का भी अपमान किया। इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने खालिस्तानियों को आतंकी बताते हुए उन पर भारत सरकार से कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मैं सीधे तौर पर कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की तरफ से किए गए उस जघन्य अपराध की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्डबोर्ड फिगर का अपमान करने की जुर्रत की और भारतीय झंडे का भी अपमान किया। उन भारत विरोधी आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार को सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। बता दें कि खालिस्तानी कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। फोटोज में प्रदर्शनकारियों के हाथ में कनाडा का झंडा और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी तख्तियां भी दिखती है। खालिस्तानी प्रदर्शनकारी कनाडा में इंडियन हाई कमीशन को भी बंद करने की मांग कर रहे थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के टोरंटो में करीब 100 खालिस्तानी समर्थकों ने इकट्ठा होकर भारतीय झंडे और पीएम मोदी के कटआउट वाले कार्डबोर्ड का अपमान किया। इसी तरह वैंकूवर कॉन्सुलेट के बाहर करीब 200 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। वहीं ओटावा में करीब 100 लोग इंडियन हाई कमिश्नर ऑफिस के बाहर जुट गए और खालिस्तानी झंडा लहराने लगे। खास बात यह भी है कि सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से पहले ही कनाडा में रह रहे हिंदू परिवारों को देश छोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन कनाडा सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि बीते हफ्ते कनाडा की संसद में ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार भारत से जोड़े थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि कनाडाई एजेंसियां इसकी जांच कर रही है और भारत से जांच में सहयोग की मांग की थी। निज्जर की कनाडा के सरी शहर में जून में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं भारत ने कनाडाई पीएम के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उस पर कड़ा विरोध जताया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।